Hello friends, I welcome you again in the YouTube channel of Fortey Education Hub. In last class we have discussed the quantitative tools of monetary policy, जिसमें मैंने आपको repo, reverse repo, marginal standing facility that is MSF और open market operation, ये सारे topics मैंने cover कराए थे. यदि किसी ने वह video नहीं देखा है तो please उसे पहले देख लीजिए, तब आपको ये वाला video और better समझ में आएगा. Okay, so coming forward, आगे चलते हैं अब. And the new topic is which we will discuss in this video is qualitative tools of monetary policy. तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्वांटिटेटिव टूल हमने कंप्लीट किया था, अब हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव टूल्स. तो इसमें सबसे पहले आप नाम देख लीजिए, दीज आर द क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो सबसे पहला जो टूल है, क्वालिटेटिव टूल है, दैट इज फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. एंड आर बी आई फिक्सेस इट्स मार्जिन रिक्वायरमेंट बाई डिसाइडिंग द लोन टू वैल्यू रेशियो. तो चलिए हम ये मार्जिन रिक्वायरमेंट और ये लोन टू वैल्यू रेशियो को समझते हैं. तो देखिए, सबसे पहले मार्जिन का मतलब समझते हैं क्या होता है. मार्जिन इज द पोर्शन ऑफ कोलेट्रल दैट इज नॉट फाइनेंस्ड बाई द बैंक. ठीक है, कोलेट्रल का वह पोर्शन जो बैंक फाइनेंस नहीं करती, उसे मार्जिन कहा जाता है. फॉर इंस्टेंस, इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज आपको हाउसिंग लोन लेना है और आपके घर की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए है. क्लियर है? लेकिन आपके घर की वैल्यू यदि 1 करोड़ है, बट आपको बैंक पूरा 1 करोड़ फाइनेंस नहीं करेगी, वह 30 लाख अपना मार्जिन रख करके कितना फाइनेंस करेगी, केवल 70 लाख रुपीज. सो द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल इज 1 करोड़, बट बैंक हैज फाइनेंस्ड ओनली 70 लाख. सो द मार्जिन दैट बैंक हैज केप्ट विद इटसेल्फ इज 30 लाख. तो वही मैंने यहाँ पे, अब आप फिर डेफिनेशन को फिर से पढ़ के समझिए. द पोर्शन ऑफ कोलेट्रल दैट इज लैंड दैट इज नॉट फाइनेंस्ड, यहाँ पे बैंक ने कितना फाइनेंस नहीं किया, 30 लाख, तो वह उसका मार्जिन हो जाएगा. और यदि मैं लोन टू वैल्यू रेशियो की बात करूँ, तो लोन टू वैल्यू रेशियो में आपको लोन कितने का मिला, 70 लाख का, और आपका जो वैल्यू ऑफ एसेट था, वैल्यू ऑफ कोलेट्रल एसेट था, वो कितने का था, 1 करोड़ का. तो यदि हम लोन टू वैल्यू रेशियो की बात करें तो 7:10 होगा, और यदि मैं लोन टू वैल्यू परसेंटेज की बात करूँ तो 70% होगा. तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि मार्जिन रिक्वायरमेंट और लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब क्या होता है. अब क्यों करती है बैंक ऐसा? तो देखिए क्या होता है कि लोन के साथ बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं. यदि मान लीजिए कल के दिन वह बैंक लोन जिसने लोन लिया, यदि वह पे बैक नहीं करता तो बैंक का पूरा पैसा डूब जाएगा, इसीलिए बैंक मार्जिन फिक्स करती है. सो हायर द रिस्क एसोसिएटेड विद द लोन, हायर विल बी द मार्जिन सेट बाय द बैंक. एंड सिमिलरली लोअर द रिस्क एसोसिएटेड विद द लोन, लोअर द मार्जिन फिक्स बाय द कमर्शियल बैंक. क्लियर है? इसलिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट प्रॉपर्टी वैल्यू दैट अ लेंडर कैन फाइनेंस थ्रू अ लोन. दिस रेशियो इज यूज बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक टू एक्सेस देयर रिस्क इन लेंडिंग अ होम लोन टू यू एज बोरोअर. द कोर पर्पज ऑफ लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर अ लेंडर इज टू कैलकुलेट दैट दे डू नॉट लेंड हायर अमाउंट देन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी. फॉर अ लेंडर, यदि लेंडर की बात करें, इफ लोन टू वैल्यू रेशियो इंक्रीजेस, यानी यदि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे यदि आप 80 लाख का लोन दे रहे हैं, तो द रिस्क बढ़ जाएगा. लेंडर के लिए क्या बढ़ता जाएगा? रिस्क. तो बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जो लोन टू वैल्यू रेशियो को हाई रखते हैं, और उसके कारण उनका लोन डिफॉल्ट होता है और बैंक होने की कगार पर आ जाता है. तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब क्या होता है. How does commercial bank calculates loan to value ratio? So it is calculated by the formula that is amount borrowed upon the value of the property. जैसे हमारे केस में अमाउंट बोरोड कितना था, 70 लाख, एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी थी, 1 करोड़. तो यदि मैं यहाँ पे परसेंटेज में निकालूंगा तो परसेंटेज आएगा 70%, यानी मेरा लोन टू वैल्यू रेशियो 70%. और यदि मैं रेशियो में बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 7:10%. यदि यहाँ पे मैं 3/10 या फिर 30% की बात करूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा, मार्जिन. तो फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट. अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट करने से लिक्विडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. या पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो आप खुद ही सोचिए, यदि कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि किसी कमर्शियल बैंक के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो को बढ़ा देती है, सपोज उसने कह दिया कि आपका लोन टू वैल्यू रेशियो 90% हो गया, यानी यदि कोई कंज्यूमर 1 करोड़ का हाउसिंग लोन कोलेट्रल डिपॉजिट करता है तो उसे कितने लाख का लोन मिल जाएगा, 90 लाख का. तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी. अब सपोज मार्केट में लिक्विडिटी कम करनी है तो आरबीआई बोलेगी अब हमारा लोन टू वैल्यू रेशियो हमने कम कर दिया है, अब वो केवल 70% है.
यानी आपको यदि 1 करोड़ का घर गिरवी रखता है तो उसे बनाने के लिए, घर बनाने के लिए कितना रुपए मिला दिया जाएगा बैंक के द्वारा, केवल 70 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो बाय फ्लक्चुएटिंग द लोन टू वैल्यू रेशियो आरबीआई इन अ वे मैनेजेस द लिक्विडिटी विच इज टू बी फ्लोन इन द इकोनॉमी। क्लियर है? और आरबीआई ने निर्देश दिया, उसी निर्देश के अंतर्गत ही सारे कमर्शियल बैंक्स लोन टू वैल्यू रेशियो फिक्स करते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि लोन टू वैल्यू रेशियो फिक्स करने के लिए सभी बैंकों के पास ऑटोनॉमी है, बट उन्हें एक लिमिट के अंदर, सुपरविजन के अंदर रहना है, अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए लोन टू वैल्यू रेशियो फ्लक्चुएट होता रहता है, लोन टू लोन भी फ्लक्चुएट होता है और बैंक टू बैंक भी फ्लक्चुएट होता है। इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क एसोसिएटेड विद द लोन। आई अगेन रिपीट, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना जो मार्जिन होगा वो बढ़ा दिया जाएगा, मार्जिन बढ़ेगा तो आपका लोन टू वैल्यू रेशियो कम होता जाएगा। और यदि रिस्क एसोसिएटेड विद द लोन कम है तो जो हमारा मार्जिन होगा, बैंक जो सेफ्टी मार्जिन रखेगी, जो प्रिकॉशनरी मार्जिन रखेगी, वो बहुत कम रखेगी, यानी आपको ज़्यादा पैसा लोन के फॉर्म पे दिया जा सकता है, लोन टू वैल्यू रेशियो हाई रहेगा। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी को। ओके, जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। अब इसे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के एग्जांपल के थ्रू लेकर के समझते हैं। तो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन या कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो कई बार कमर्शियल बैंक्स डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का यूज़ करके भी क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। सपोज आप एक कार लेने जाते हैं, सपोज आपने नैनो लेनी है, नैनो का प्राइस है लेट से 2 लाख रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस है, मार्केट रेट है उसका। अब यदि कमर्शियल बैंक कहता है कि हम आपको 2 लाख की आपकी नैनो की कार है, हम आपको 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे तभी हम लोन स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आप लोन नहीं लेंगे, क्योंकि यदि आपको 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना होगा तो ये बहुत कम्बरसम, बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि यदि आपके पास 1.5 लाख रुपए होंगे तो आप सीधा पेमेंट करके गाड़ी खरीद लेंगे, लोन नहीं लेंगे। अब यदि मान लीजिए कमर्शियल बैंक को निर्देश आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि मार्केट में कार लोन बहुत कम जा रहा है, हमें लिक्विडिटी बढ़ाना है, लोगों को पैसे बांटने हैं, तो हम कमर्शियल बैंक क्या बोलेगी, चलिए अब नैनो लाख 2 लाख, नैनो कार 2 लाख की आती है, आप एक काम करिए, आप केवल 25,000 रुपये डाउन पेमेंट करिए, बाकी का पैसा आप 15,000 करके या 10,000 करके इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अब इससे सर्विस क्लास को सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि जहां पे 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट करना था वहां पे डाउन पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, मात्र 25,000 रुपये। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, लोन का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, कंज्यूमर्स ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि डाउन पेमेंट में रियायत दे दी गई है। इसे बोलते हैं लीनियंट कंज्यूमर क्रेडिट पॉलिसी, जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्देश देती है कि आप अपने सभी डाउन पेमेंट्स को सस्ता कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले सके और मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो अधिक हो सके। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यदि मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन जैसे सिनेरियो डेवलप हो जाता है, यदि मार्केट में अब कंज्यूमर लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो आरबीआई निर्देश देगा कि आप स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अपनाइए, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी अपनाइए, तो इस केस में जो डाउन पेमेंट का जो परसेंटेज होगा वो बढ़ा दिया जाएगा, एंड इट विल डीमोटिवेट द कंज्यूमर फ्रॉम बोरोइंग लोन्स, ठीक है, फ्रॉम बोरोइंग कार लोन्स। तो आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल का। तो ये दो प्रकार की हो सकती है, लीनियंट और स्ट्रिक्ट। लीनियंट जब डाउन पेमेंट कम रखा जाएगा, स्ट्रिक्ट जब डाउन पेमेंट ज़्यादा रखा जाएगा। लीनियंट क्यों करते हैं हम लोग, लीनियंट इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जा सके, और स्ट्रिक्ट करते हैं टू फाइट द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड विच इज़ प्रिवेलिंग इन द मार्केट। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैंने आपको एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया। तो ऐसे हर सेक्टर में ऐसा किया जा सकता है। चलिए, जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज मॉरल सुएशन। सुएशन मतलब, पहले आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, सुएशन मतलब होता है समझाना। तो यदि मान लीजिए आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बना दी, तो मैंने आपको पहले भी कहा था जो क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई मार्केट में इंप्लीमेंट डायरेक्टली नहीं करती, आरबीआई इंप्लीमेंट्स द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वाया कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक्स के भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स मॉनेटरी पॉलिसी, टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी, टुवर्ड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई सभी बैंकों को बुला करके उन्हें समझाती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है, तो जो भी हमने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है प्लीज उसे मार्केट में रेप्लिकेट करिए, इंप्लीमेंट करिए। तो जब आरबीआई ऐसे समझाना बुझाने का काम करती है तो उसे मॉरल सुएशन कहा जाता है। दिस क्वालिटेटिव टूल वॉज फ्रीक्वेंटली यूज बाई आवर एक्स गवर्नर रघुराम राजन। वो अक्सर मीटिंग्स बुलाते थे और अपना दायित्व समझाने की कोशिश करते थे कमर्शियल बैंक्स को, ताकि कमर्शियल बैंक अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें, रिफ्लेक्ट करें पूरे स्पिरिट के साथ इकोनॉमी में, मार्केट में।
ठीक है, तो मॉनेटरी सिचुएशन भी आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज क्रेडिट रैशनिंग, और क्रेडिट रैशनिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए आरबीआई एक टूल यूज करती है दैट इज कॉल्ड प्रोविजन यूज करती है दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग समझने से पहले आपको रैशनिंग का मतलब क्लियर होना चाहिए और क्रेडिट रैशनिंग क्या होती है आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, यदि मान लीजिए आप खुद को एक कमर्शियल बैंक की तरह से सोचिए, कमर्शियल बैंक का ओरिएंटेशन होता है टू अर्न मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, दैट इज देयर ओरिएंटेशन। तो यदि कमर्शियल बैंक के पास ऑप्शन है, इमेजिन करो एक ऑप्शन आता है, आप या तो कॉरपोरेट लोन दे सकते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनीज को, या फिर आप किसी गरीब को फार्मर लोन दे सकते हैं, किसी मार्जिनल फार्मर को फार्मर लोन स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो बींग अ कमर्शियल बैंक, इफ आई एम अ कमर्शियल बैंक आई विल डेफिनेटली गो फॉर कॉरपोरेट लोन्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट लोन्स में मुझे लोन ज़्यादा देना पड़ेगा, मैं करोड़ों का लोन दूंगा, यहाँ पे कुछ लाख का ही लोन दिया जा सकता है, हज़ारों में लोन दिया जाएगा, प्लस यहाँ पे हैवी रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एनपीए वो भी कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीपे करेंगे, और ये सारे रिस्क कहाँ पे एसोसिएटेड रहेंगे, मार्जिनल फार्मर्स के। तो इकॉनमी में एक ऐसा सीनेरियो डेवलप हो जाएगा कि सबके सब कहाँ पे लोन देना चालू कर देंगे, कॉरपोरेट सेक्टर में। तो ये जो होगा इससे इक्विटेबल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नहीं हो सकती, हर सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, इसीलिए आरबीआई ने एक नॉर्म इम्पोज किया है सभी कमर्शियल बैंक के ऊपर जिसे कहा गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और इसके अंतर्गत रैशनिंग की जाती है कि आपको कुछ ना कुछ पैसा फार्मर्स लोन में भी देना चाहिए, देना अनिवार्य है, इट इज मैंडेटरी। तो यदि हम इसे डेफिनेशन पढ़ें तो देखिए, अ सिचुएशन वेयर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिनाइज क्रेडिट टू द बोरोवर्स हु वॉन्ट फंड्स एंड आर विलिंग टू पे हायर इंटरेस्ट रेट दैट इज कॉरपोरेट लोन इज कॉल्ड अ क्रेडिट रैशनिंग। यानी वहां पे सेंट्रल बैंक आदेश देती है कमर्शियल बैंक को, डिनाई करती है कि आप ऐसे लोगों को लोन नहीं देंगे जो कॉरपोरेट लोन रिस्पॉन्स जो आपसे कॉरपोरेट लोन मांग रहे हैं, बल्कि आप कुछ पोर्शन ऐसे लोगों को देंगे जो अलूफ हैं, जिन्हें आप लोन नहीं दे रहे हैं, जिन्हें कोई लोन नहीं दे रहा, जैसे मार्जिनल फार्मर्स, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये भी एक इकॉनमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ज्यादातर रोजगार यहीं से मिलता है। तो यदि आप फिर आगे भी पढ़ें तो देखिए क्या लिखा है, क्रेडिट रैशनिंग इज ऑफन अप्लाइड इन द सिचुएशन वेयर द शॉर्टेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर द बिजनेस सेक्टर, द बिग एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स ट्राई टू कैप्चर द लार्जर पोर्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यानी बैंक से ज्यादा लोन कॉर्पोरेट सेक्टर्स ले जाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द प्रायोरिटी सेक्टर विल रिमेन अलूफ, द प्रायोरिटी और जो वीकर सेक्शन है वो फाइनेंशियल नेटवर्क से अछूते रह जाएंगे। तो इसीलिए हमने कौन सा नॉर्म इंप्लीमेंट किया है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। तो याद रखना why RBI goes for priority sector lending to ensure credit rationing, यानी आपको कुछ lending कहाँ पे करनी है, priority sectors में, priority sectors क्या होते हैं, उसके norms क्या है, ये हम अगले slide में समझते हैं। चलिए तो credit rationing कैसे implement करती है RBI, by following the norm that is called priority sector lending। अब priority sector lending क्या है, इसमें कौन कौन से sectors आते हैं, तो देखिए इट इज एन इंपॉर्टेंट रोल गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द बैंक लैंडिंग टू फ्यू स्पेसिफिक सेक्टर, अदरवाइज इस सेक्टर में कोई लोन नहीं देना चाहता क्योंकि उतना प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं होता है, बट हमें ये करना अनिवार्य किया गया है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कमर्शियल बैंक के ऊपर ये बाउंडेशन है, क्लियर है। तो यदि हम देखें कि प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं MSME, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंपॉर्टेंट है कुछ हद तक, अप टू सर्टेन लिमिट एजुकेशन लोन, अप टू सर्टेन लिमिट हाउसिंग लोन, ये लिमिट क्या अभी हम देखेंगे आगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यदि आप रोड बनाते हैं, यदि आप सोलर पैनल बनवाते हैं तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ठीक है, रोड बनाना, डैम्स बनाना, सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, हॉस्टल बनाना एसटीएससी कम्युनिटी के लिए, ये सब आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिन्यूएबल एनर्जी, यदि आप हाइडल पावर प्लांट डालते हैं, यदि आप सोलर पावर प्लांट डालते हैं तो सब रिन्यूएबल में आता है, और अदर्स, तो अदर्स तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो स्टार्टिंग के 7 सेक्टर्स हैं इसका नाम जरूर याद रखिएगा, स्पेशली लास्ट के 2 नाम में हमेशा कन्फ्यूजन होता है तो आप याद रखिएगा, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन अप टू सर्टेन लिमिट, वो लिमिट क्या आती है देखेंगे, हाउसिंग लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दिस ऑल विल कम अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, विल कम्प्राइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इन सभी एरियाज में यदि आप कोई कमर्शियल बैंक लैंड करती है सो दीज लैंडिंग्स आर कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्लियर है। इन अ वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंश्योर्स क्रेडिट रैशनिंग in order
टू एंश्योर दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ग्रो पैरेलली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके हम देखते हैं। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको अपने टोटल लेंडिंग में से जितना भी पैसा वो लेंड करते हैं उसमें से 40% किस में लेंड करना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। तो ये नॉर्म याद रखिएगा, ऑल द डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, एक्सक्लूडिंग RRBs एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो PSL नॉर्म्स लगता है ये रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर नहीं लगाया जाता। क्लियर है? आप यदि लेक्चर देख रहे हैं पूरा तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सोच करके जरूर आंसर करिएगा कि क्यों ऐसा किया गया कि RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर ये नॉर्म्स क्यों नहीं लगाए जाते। थोड़ा सा आप सोचिए, सोचेंगे तो आपको अपने आप कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करूंगा। क्लियर है? तो याद रखना सारे कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक, बाकी सभी बैंक्स के ऊपर 40% ऑफ द लेंडिंग इज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म, PSL नॉर्म। इसके अलावा हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो भी फॉरेन बैंक है जिनके 20 से अधिक ब्रांचेस हैं, तो जो भी फॉरेन बैंक जिनके 20 से अधिक ब्रांचेस हैं उन पे भी प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स लागू होता है, दैट इज 40%। क्लियर है? तो सपोज बैंक के पास यदि बैंक 100 रुपए का लोन देती है तो 100 में से 40 रुपए उन्हें PSL में देना होगा, बचा 60 रुपए वो चाहिए तो कॉरपोरेट लोन दिया जा सकता है। चलिए अब इसमें भी बाइफरकेशन है तो बाइफरकेशन समझ लेते हैं। तो जो 40% का PSL है, 40 में से 18% आउट ऑफ 40 18% किस में देना है, 18% आप देंगे एग्रीकल्चर में। ये पॉइंट याद रखिएगा, 40 में से 18% किस में जाना चाहिए, एग्रीकल्चर में, बाकी आप फिर MSME और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में दीजिए। 40% में से 18% किस में जाएगा, एग्रीकल्चर में। और उस 18% में भी ध्यान से सुनिएगा, उस 18% में भी 8% किसके पास जाना चाहिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास। तो याद रखिएगा 40% ऑफ द PSL इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, आउट ऑफ 40% ऑफ PSL 18% इज टू बी गिवन फॉर एग्रीकल्चर लोन, आउट ऑफ 18% ऑफ द PSL 8% ऑफ द आउट ऑफ 18% जो 8% होगा वो एग्रीकल्चर लोन स्पेसिफिकली किसको देना चाहिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। तो इन अ वे आप देख सकते हो इसमें स्पिरिट क्या है, इसमें सोच क्या छुपी है RBI की। इसमें RBI का विजन ये है कि हर एक फार्मर को लोन मिलना चाहिए। होता क्या है, जब हम गांव में जाएंगे तो देखेंगे जमींदार को लोन ज़्यादा मिल जाता है, और जिनके पास 1-2 एकड़ जमीन है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, सीमांत मजदूर हैं, उनके पास लोन नहीं पहुंच पाता। तो उसी चीज़ को एंश्योर करने के लिए ये 8% का मार्जिन भी लिया गया है RBI के द्वारा अंडर PSL नॉर्म्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। 40% में से 18% किस में गया, एग्रीकल्चर में, उसमें से 8% किस में गया, मार्जिनल फार्मर्स के पास। अब 40% ऑफ PSL में से 7.5% याद रखिएगा, 7.5% आपको माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए भी देना अनिवार्य है। क्लियर है? तो 18% आपने एग्रीकल्चर में दिया और 7.5% आपने किसने दे दिया, MSME में, सॉरी केवल माइक्रो एंटरप्राइजेस में। क्लियर है? ये अनिवार्यता अनिवार्य है। उसके बाद 10% आपको देना है टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। तो यदि हम यहाँ पे प्लस करें तो 10 और यहाँ पे 18 हो गया 28, और यहाँ पे आपका 7.5 हो गया 35.5, यानी लगभग आप मान लो 36%। बचा हुआ जो बकाया हुआ 14% है वो बैंकों के पास आज़ादी है, वो चाहिए तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में दे दे, चाहिए तो हाउसिंग लोन में दे दे, जो भी बचे हुए प्रायोरिटी सेक्टर उसमें दिया जा सकता है। क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये ANBC क्या है। जैसे हमने पढ़ा था, जो भी हमने क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़े थे याद होगा आपको, रेपो रिवर्स रेपो जो भी हमने पढ़ा था वहाँ पे, MSF जो भी हमने वहाँ पे पढ़ा था, वो परसेंटेज ऑफ NDTL हुआ करता था। परसेंटेज ऑफ क्या था, NDTL, NDTL का फुल फॉर्म और मतलब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर जा करके देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे PSL नॉर्म्स में याद रखेगा NDTL नहीं होता, PSL नॉर्म्स जो परसेंटेज होता है 40% ऑफ क्या होता है, वो ANBC। तो ये ANBC बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एब्रीवेशन भी पूछा जाता है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ANBC क्या होता है। तो एब्रीवेशन याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ANBC स्टैंड फॉर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। क्लियर है? अभी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है तो ध्यान से देखिए, जो भी बैंक्स लोन देती हैं, जो भी बैंक्स ने लोन फाइनेंस किया है, जो भी कमर्शियल बैंक लोन फाइनेंस करती है, प्लस उनका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, देखिए जितने भी लोन फाइनेंस किए प्लस उनका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, इन दोनों का सम क्या कहलाता है, ANBC। क्लियर है? इन दोनों का सम क्या कहलाएगा, ANBC। चलिए यहां पे आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए।
So investment, ANPC includes the total credit forwarded by the bank together with other investment made by it. कुछ investment भी करती है bank which are not its obligation, जो उसके obligation नहीं है. So investment made at will plus loans sponsored by the bank, the sum total, the summation of these two is called ANBC. Clear है? Investment जैसे कई बार कमर्शियल बैंक्स बिल्स परचेज करती है, मैंने आपको बताया था डिस्काउंटेड बिल्स, बॉन्ड्स परचेज करती हैं, ये सब उनके इन्वेस्टमेंट होते हैं. तो क्रेडिट कितना भी उन्होंने हाउसिंग लोन, कार लोन, जो भी उन्होंने क्रेडिट दिया है प्लस जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन दोनों का सम ANBC कहलाता है. क्लियर है ये पॉइंट? याद रखिएगा, PSL में पूछा जाता है कि PSL में जो भी नॉर्म्स होते हैं 40% ऑफ वॉट, 18% ऑफ वॉट, 7.5% ऑफ वॉट, तो परसेंट ऑफ ANBC. चलिए आगे चलते हैं हम. हाँ, मैंने आपको कहा था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ANBC के अंतर्गत आता है. तो याद रखिएगा, बैंक लोन अप टू 50 मिलियन पर बोरोअर फॉर बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल्स, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ये सब किसके अंदर आता है? PSL के अंदर आता है. क्लियर है? तो यदि आप 50 मिलियन रुपए, मतलब 5 करोड़, यदि आप 5 करोड़ रुपए तक का बिल्डिंग बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, ड्रिंकिंग फैसिलिटी या हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? PSL के अंदर. लिमिट याद रखिएगा 50 मिलियन या फिर 5 करोड़ रुपए. चलिए आगे आते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत देखिए, यदि कोई आप सोलर पावर जनरेशन प्लांट बनाते हैं, बायोमास से प्लांट बनाते हैं या हाइड्रल पावर प्लांट्स बनाते हैं, कोई भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, वो रिन्यूएबल के अंतर्गत आता है. उसके अंतर्गत कितनी लिमिट रखी गई है? 150 मिलियन टू बोरोवर्स. क्लियर है? यानी जितना भी बोरोवर्स आएंगे, कुल उनको कितना पैसा देना है? 150 मिलियन. और पर बोरोवर कितना डिसाइड किया गया है? 1 मिलियन रुपीज. क्लियर है ये चीज? तो पर बोरोवर की लिमिट पूछी जाती है, याद रखना 1 मिलियन पर बोरोवर. और यदि टोटल की बात करें तो 15 करोड़ रुपए तक दिया जा सकता है एक बैंक के द्वारा किसी भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के अंदर. तो कोई भी जो आप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करेंगे, उसकी अधिकतम लिमिट एक बैंक के लिए कितनी तय की गई है? 15 करोड़. और एक बोरोवर के लिए कितनी तय की गई है? 10 लाख रुपए. 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं. तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है. यहाँ पे याद रखिएगा 5 करोड़ तक का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे याद रखिएगा एक बैंक की अधिकतम धनराशि कितनी तय की गई है? 15 करोड़. और एक बोरोवर को कितना दिया जा सकता है? 10 लाख. चलिए आगे चलते हैं. जो अगला है हाउसिंग लोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउसिंग लोन के कौन से हाउसिंग लोन PSL सेक्टर के अंदर आते हैं. तो याद रखना, यदि आप 3.5 मिलियन तक का लोन ले रहे हैं और आप मेट्रो सिटीज में हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? PSL में. और यदि आप मेट्रो सिटी के अलावा किसी सिटी में हैं, तो वो किस, तो उसकी लिमिट कितनी तय की गई है? 2.5 मिलियन. यानी 35 लाख तक का घर आप बना सकते हैं मेट्रो सिटीज में, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? PSL के अंदर. 35 लाख तक का लोन ले सकते हैं आप. और हाउसिंग लोन के अंदर यदि आप 25 लाख तक का लोन लेते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? PSL में. जो भी लोन देगी कमर्शियल बैंक, उसे वो PSL के अंदर काउंट करेगी. इसमें एक पेज और है, एक प्रोविजन और है, वो आप याद रखिएगा कि जो भी आपका कॉस्ट ऑफ हाउसिंग है, वो 45 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यानी हाउसिंग का कॉस्ट 45 लाख और उसके ऊपर लोन कितना? 35 लाख. यदि आप कौन से सिटी में? मेट्रो सिटीज में. और यदि आप अदर सिटीज में हैं, तो वहाँ पे हाउसिंग जो कॉस्ट है वो होना चाहिए आपका 30 लाख. और आप कितना स्पॉन्सर कर सकते हैं? बैंक कितना स्पॉन्सर लोन दे सकती है? 25 लाख तक का लोन दे सकती है. तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा. तो 35 लाख तक का लोन फॉर मेट्रो सिटीज, 25 लाख तक का लोन फॉर अदर देन मेट्रो सिटीज. यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 करोड़ रुपए फॉर बिल्डिंग एनी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल, सैनिटेशन और पब्लिक लेबोरेटरी या फिर हेल्थ केयर. और यदि हम बात करें रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए, तो एक बैंक के ऊपर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए कितना है? 15 करोड़ रुपए. और एक बोरोवर पे कितना है? 10 लाख रुपए. ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हाउसिंग लोन पूछा जाता है. ओके, उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो देखिए, यहाँ पे लोन टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेस. तो प्रायोरिटी सेक्टर में केवल आप वोकेशनल कोर्सेज के लिए लोन दिया जाता है, वोकेशनल कोर्सेज के लिए. और कितना लोन दिया जाता है? वोकेशनल कोर्सेज मतलब जैसे जो काम करके तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जैसे कंप्यूटर कोर्स किया आपने, तुरंत आपने कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए, तो वो वोकेशनल कोर्स है. तो ऐसे कोर्सेज के लिए एजुकेशनल लोन कितना दिया जाता है? 1 मिलियन रुपीज. 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख रुपए. क्लियर है? तो ये आपने पूरा कंप्लीट समझा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है
और 30 सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत भी हमने समझा कि हाउसिंग लोन में कितना पैसा होता है, एजुकेशन लोन में कितना पैसा होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा होता है, एग्रीकल्चर में कितना पैसा दिया जाता है और मार्जिनल फार्मर्स को कितना पैसा दिया जाता है। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप याद रखिएगा। हाँ, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप ये पूरी पीपीटी पीडीएफ के फॉर्म पे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बाद में आपके पास एक हार्ड कॉपी में नोट्स भी रहे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे लिंक्स में क्लिक करके डाउनलोड करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट जो टॉपिक है दैट इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। इसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर जो कॉन्सेप्ट है पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब ये सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, सपोज 100 रुपये था किसी बैंक ने, 100 रुपये का टोटल ANBC था, उसमें से 40 रुपये किस में देना था, PSL में। एक और बैंक है उसके पास भी 100 रुपये ANBC था, उसको भी 40 रुपये किस में देना था, PSL में। अब मान लीजिए ये जो बैंक ए है इसने 40 के बजाय 50 रुपये PSL में दे दिया, कितना रुपये दे दिया, 50 रुपीज़, यानी 10 रुपये एक्सेस में दे दिया। और ये जो बैंक बी है इसने 40 के बजाय केवल 30 रुपये PSL में दिया, यानी इसका शॉर्टेज कितना है, 10 रुपये। तो यहाँ पे एक बैंक सरप्लस में PSL लेंडिंग कर दिए और एक बैंक का PSL लेंडिंग शॉर्टेज में है। तो इस केस में जिसने भी सरप्लस में लेंडिंग की है उतने रुपए का, वो क्या इशू कर सकती है, सर्टिफिकेट। तो याद रखिएगा, PSL लेंडिंग सर्टिफिकेट्स आर इशूड बाय द कमर्शियल बैंक हु हैव एक्सीडेड देयर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। क्लियर है? तो ये इशू करेगी और खरीदेगी कौन, खरीदेगी कौन यहाँ पे, कमर्शियल बैंक जिसने अपने नॉर्म्स को मिस किया है, 10 रुपये से मिस किया, तो यहाँ पे 10 रुपये का PSL सर्टिफिकेट खरीद लेगी। क्लियर है? अब एक बार पढ़ लीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आर मैकेनिज्म टू एनेबल बैंक टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स एंड सर्टेन टारगेट्स बाय परचेज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल। दिस ऑल्सो इंसेंटिवाइजेस, इंसेंटिवाइजेस का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्याज भी मिल देती है, यहाँ पे आपको ब्याज मिलेगा। तो जो कमर्शियल बैंक जिन्होंने ज्यादा इशू किया है PSL लोन, उनको फायदा भी होगा क्योंकि उन्हें ब्याज मिलेगा सर्टिफिकेट पे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इंसेंटिवाइजेस सरप्लस बैंक्स एज इट अलाउज देम टू सेल देयर एक्सेस अचीवमेंट ओवर टारगेट्स देयर बाय एनहेंसिंग लैंडिंग टू द कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। इससे क्या होगा, यदि उनको पैसा ज्यादा मिलेगा तो वो और मोटिवेट होंगी और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में और ज्यादा पैसा वो डिवोट करेंगी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, अंडर PSLC फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स मैकेनिज्म, द सेलर सेल्स फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ऑब्लिगेशन एंड द बायर्स बाइज द ऑब्लिगेशन विच विथ नो ट्रांसफर ऑफ रिस्क और लोन असेट्स। तो बेचने वाला अपना सर्टिफिकेट बेचेगा और खरीदने वाला उसे खरीद लेगा। तो ये सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस है। इन अ वे ये मोटिवेट करता है कमर्शियल बैंक्स को कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा PSL में दीजिए ताकि आप सर्टिफिकेट इशू कर सकें और उस सर्टिफिकेट्स को फिर बेचने से आपको मुनाफा भी मिलेगा। क्लियर है? अब ये जो सेलिंग होती है, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्टिफिकेट होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट ऑकर्स ऑन एन ई प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड ई कुबेर। ई कुबेर इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वेयर बैंक कैन परचेज एंड सेल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ई कुबेर पूछा जाता है, याद रखिएगा। 2006 अप्रैल में इसे इनॉग्रेट किया गया था। चलिए अब टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, 4 टाइप्स ऑफ PSL सर्टिफिकेट्स होते हैं। यदि एग्रीकल्चर में आपने ज्यादा लैंड किया है तो दैट विल बी कॉल्ड PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट फॉर एग्रीकल्चर। यदि आपने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ज्यादा लोन दिया है तो उसे क्या बोला जाएगा, PSL सर्टिफिकेट्स फॉर SF एंड MF, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। यदि आप माइक्रो एंटरप्राइजेस में देते हैं तो उसे हम बोलेंगे PSLC फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। और इसके अलावा यदि आप रिन्यूएबल एनर्जी या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी किसी भी PSL सेक्टर में यदि आप लैंडिंग एक्सेस करते हैं तो वहां पे आप क्या इशू कर सकते हैं, PSL सर्टिफिकेट जनरल। क्लियर है? तो 4 टाइप्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर, PSL फॉर स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, 2, 3rd इज माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड 4th इज जनरल, जो भी बच गया दैट इज कॉल्ड जनरल। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने सारे टूल्स ऑफ क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कवर कर लिए। एक बार हम जल्दी से ध्यान दे देते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फिक्स मार्जिन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया क्रेडिट रेगुलेशन। यहाँ पे 2 बातें की गई थी, स्ट्रिक्ट और लीनियंट वाली, मैंने कार लोन के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था। यहाँ पे हमने समझा क्रेडिट रैशनिंग क्या होती है, यहाँ पे PSL होता है, PSL के थ्रू। मॉरल सुएशन भी मैंने आपको बता दिया था। अब ये दोनों प्यूनिटिव एक्शंस होते हैं। यदि मान लीजिए कोई कमर्शियल बैंक्स ये सब नॉर्म्स फॉलो नहीं करती, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो उस पर डायरेक्ट एक्शन मतलब प्यूनिटिव एक्शन, RBI फिर उसके लेंडिंग रेट को हाई कर देगी। तो ये सब डायरेक्ट एक्शन के अंदर आता है।
तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। पूछा जाता है कि कौन से क्वांटिटेटिव है, कौन से क्वालिटेटिव है। तो आज हमने क्वालिटेटिव किया, लास्ट क्लास में हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे क्वांटिटेटिव टूल्स, आई थिंक आपको सभी को याद होगा। अच्छा, अब एक आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। What is the difference between qualitative and quantitative tool? आप नेट में सर्च करिए, आप थोड़ा सा खुद में भी लर्निंग करिए, बट आई वॉन्ट आंसर्स। आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करके बताइए और हम उसे अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। आप भी पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली इट्स अ टू वे प्रोसेस लर्निंग। तो जब भी आप ऐसा करेंगे, कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपका भी नॉलेज एनहांस होगा और आराम से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। सो दैट इज फॉर इन दिस, दैट इज ऑल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे हमने पूरा मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इफ़ यू आर फॉलोइंग इट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल एंड गिव मी अ थम्स अप, एंड इट विल डेफिनेटली बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस एंड विल पोस्ट मोर सच वीडियोस ऑन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द क्राउड। थैंक यू।